गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी हैव डन एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। एक साथ सभी क्वेश्चन इसलिए नहीं अपलोड कर रहे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है तो अपलोड नहीं हो रहा है, इसीलिए दो दो क्वेश्चन करके अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपए 5000 फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर एनम। मतलब कि हम लोगों को 5000 रुपए का 2 वर्ष के लिए दिया गया है 9% के रेट से, तो इसका हमको डिफरेंस निकालना है किसके किसके बिटवीन में, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दे रहे हैं, फिर ज़्यादा जो ज़्यादा मोर देन रहेगा उन दोनों का आपस में डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 5000 इंटू रेट कितना है 9% और टाइम कितना है 2 अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल, 5 9 जा 45 और 45 2 जा 90 मीन्स की 900। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा फाइंड आउट हो गया कितना 900। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गया, अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तभी निकल सकता है जब हमको अमाउंट फाइंड आउट हो, तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और जब अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट करिए, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 to the power n। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 5000, 1 प्लस रेट कितना है 9। देखिए ये जो रेट है और टाइम है सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी वही है और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी वही है, इसीलिए यहाँ पे बी आर इक्वल टू 9 रखेंगे और टाइम इक्वल टू 2 रखेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट में भी रेट इक्वल टू 9 रखेंगे और टाइम इक्वल टू देखिए 2 रखें, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल पे को सेम रेट और सेम टाइम पे दिया गया है, बस डिफरेंट है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे है और एक सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है 900, अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसलिए सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रेट 9 अपॉन 100 to the power n की वैल्यू कितनी 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो a इक्वल टू 5000 और देखिए एक किससे कट हो रहा है, किसी से कट नहीं हो रही है, तो देखिए इसका हो जाएगा 100 प्लस 9 मीन्स कि 109 to the power 2। तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000 into 109 upon 100 upon 100 तो 000 से 000 कैंसिल। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो इसका हमारा कितना आएगा, देखिए पहले 109 का हम लोग 5 में कर ले रहे हैं, तो 109 into 5, 5 9 जा 45 5 5 5, अभी हमने 5 का 109 में किया, अभी 1 109 बाकी है 109, तो 9 5 जा 45 कैरी लगा 4, 9 4 जा 36 36 और 4 40 को 0 कैरी लगा 4, 9 5 जा 45 45 और 4 49 0 0 0
और 1 5 जा 5 1 4 जा 4 1 5 जा 5, टोटल ऐड करेंगे तो 5 0 9 और 5 14 को, सॉरी थोड़ा हिसाब नहीं लिया, 5 0 9 5 14 को 4 कैरी लगा, 1 4 4 8 और 1 कैरी 9 5, मतलब कि 59,405 59,405। अभी अपन 10 बाकी है तो 10 से डिवाइड दे देंगे तो वही हो जाएगा आपका मीन्स कि 59,040.5। ये तो आया हमारा अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 5,940.5 - 5,000 इक्वल टू, तो आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 940.5। देखिए हमको डिफरेंस निकालना था किसका किसका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आया 900 और कंपाउंड इंटरेस्ट आया कितना, 940.5, दोनों का डिफरेंस कितना, तो 940 तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इसका और इसके बीच में कितना का डिफरेंस है ना, 40.5 का। तो जब डिफरेंस निकालना रहेगा तो कर दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 40.5 या 40.50 लिखिए, उससे कोई डिफरेंट नहीं। फिर आपका आंसर ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकल गया है, डिफरेंस जब निकालना रहेगा दोनों के बीच का डिफरेंस का हो जाएगा 940.5 - 900 इक्वल टू 40.5, ये रहा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है, रेखा ऑब्टेंड लोन, अ लोन ऑफ रुपए 25,000 फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक टू रिवेन्यू हर हाउस इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल सी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स डिस्चार्ज ही डेब्ट। मतलब कि एक रत्न नामक लड़का है, वो सिंडिकेट बैंक से 25,000 रुपये लिया है 8% की रेट पे, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद उस बैंक को कितना पैसा लौटाएगा, तो जो पैसा लौटाएगा उसमें उसका मतलब कि इंटरेस्ट भी रहे, अमाउंट कुछ देना है तो अमाउंट वाले में हमारा, देखिए अमाउंट वाले में हमारा प्रिंसिपल भी रहता है प्लस उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है वो भी रहता है, दोनों मिलकर के हमारा अमाउंट होता है। देखिए तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमको अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट निकल रहे हैं, तो देखिए प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 to the power n, प्रिंसिपल कितना है 25,000, तो a इक्वल टू 25,000 ब्रैकेट में 1 + r की वैल्यू कितने परसेंट रेट पे दिया है, 8% रेट पे, आप लोग अपने बुक से मिला लीजिएगा, 8/100 to the power टाइम इसका अभी कितना है 2, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 25,000। देखिए कट हो रहा है 4 2 8 और 4 से 25 बार में, तो 1 + 2/25 to the power 2, तो अमाउंट इक्वल टू कितना आएगा 25,000 ब्रैकेट में 25 × 25 × 25 2 27/25 2 power 2 = 27/25, 25 से देखिए 1 बार में और 000
और फिर 25 से कट करेंगे, 25 का 100, 40 बार में, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 × 54 108 मीन्स कि टोटल आएगा आपका 29,160। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।